तो आप 5 बर्थडे हैं, लेकिन ऐसा कोई एक बर्थडे बचपन से लेकर जो काफी खास रहा हो, कुछ डिफरेंट रहा हो, जो आप जब आपका बर्थडे आता तो आप उसे सोचते हो, अरे यार मेरा वो बर्थडे कितना खास था। यस, व्हेन आई वाज 18 तो मेरा बर्थडे मेरे मॉम डैड ने सेलिब्रेट करा था, बहुत ही ग्रैंड हुआ था। और कहते हैं ना, लड़कियों के पैदा होने पर बहुत सारे लोग दुख मनाते हैं, बट मेरे मॉम डैड ने मेरे 18 होने पर बहुत सारी खुशियाँ मनाई थी। वो मेरा अभी तक का बेस्ट बर्थडे था, ये मेरा अभी तक का बेस्ट बर्थडे। मतलब दो बर्थडे यादगार हो गया आकांक्षा के लिए, आप नोट कर लीजिएगा। एक मम्मी पापा ने मनाया था और एक लाइफ पार्टनर ने मनाया, जो खास दो बर्थडे हो गए। हाँ, तो आज का क्या कुछ खास प्लानिंग होती है सुबह से, पहले से क्या डिसाइड करते हो कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? और जिस तरह से आप फिल्मों के लिए शूटिंग के लिए भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो उस व्यस्तता से बाहर निकल के किस तरह से आज बर्थडे सेलिब्रेशन का डे आप सेलिब्रेट करते हैं? आज भी मेरी शूट थी अनफॉर्चुनेटली, बट हमने उस चीज़ को पोस्टपोन करा है क्योंकि हम ये बर्थडे वाला जो डे है शादी के बाद पहला बर्थडे। आकांक्षा की तबीयत इस समय बहुत खराब है, लेकिन हम इंटरव्यू लेंगे। तो शादी के बाद पहला बर्थडे है, तो हम लोग ये सेलिब्रेशन हमें मिस नहीं करना था, तो हमने शूट आगे पोस्टपोन करा है। एक रियलिटी शो का भी शूट था, तो भी उसे आगे पोस्टपोन करा है कि हम ये दिन एक साथ सेलिब्रेट करें। और आज हम बाहर जा रहे हैं, ऑब्वियसली हम दो कपल आज बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैंने लोगों के साथ सेलिब्रेट करा है, इस बार मुझे अकेले जाना है उनके साथ घूमना है, उनके साथ फन करना है। तो आज हम अकेले बाहर घूमने जा रहे हैं और सारी रात घूमेंगे, सारा दिन घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। कल भी हम लोग बहुत घूमे, तो हमारा फिलहाल तो अभी यही प्लान है। और ये सारी शॉपिंग भी करवाऊंगी मैं आपसे अपने लिए, मतलब आज जेब खाली होने वाले हैं, अकाउंट्स भी खाली होने वाले हैं। यस, 100%। तो विवेक जिसकी के लिए रेडी होंगे? हाँ बिल्कुल, वो बस मुझे ये पूछ रहा है कि एक कार्ड से हो जाएगा या तुम्हें 2-3 अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो और आकांक्षा जी, फिर आप बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हो, और लड़कियों के लिए कोई भी डे हो बहुत ज़्यादा तैयारी करती है ड्रेस को लेकर। हाँ, तो ड्रेस कैसे डिसाइड किया है, क्या कुछ ड्रेसिंग होने वाली है, और क्या आज लगता है कि आकांक्षा का एक और न्यू लुक और देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार नया लुक तो दर्शकों के साथ होता ही है। अभी तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी, अभी मैं जाऊँगी, रेडी होंगी, देन मैं बाहर जाऊँगी। तो मैंने एक बहुत सुंदर सा गाउन अपने लिए रेडी करा हुआ है, जो पहन करके मैं जाने वाली हूँ। इट इज पिंक कलर का गाउन है, तो मेरी तैयारी तो बहुत है और बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये तो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी मैं कि मैं क्या पहन के जाने वाली हूँ। तो क्या ये प्राइवेट पार्टी होगी या फिर यहाँ पर कुछ दोस्त या कुछ लोग आपके मौजूद? नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारी कपल पार्टी होगी आज की। और आपकी अपकमिंग फिल्मों के लिए और आगे क्या आपके सेट आपने बना रखा है दर्शकों के लिए होगा, क्योंकि विवाह तो आपका जिस तरह से हिट पे हिट जा रहा है, दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, और आपकी जो एक एक्टिंग हमेशा से ही लोगों के लिए अच्छी रही है। और जब आप कोई भी नए किरदार के साथ आती हैं तो उसे बखूबी से आप निभाती, तो आगे की क्या आगे की तैयारी है? आगे भी मैं एक पिक्चर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चिंटू जी के साथ ही वो पिक्चर करने वाली हूँ। तो वो मूवी हम लाइन अप है हमारी, और दूसरा ये है कि विवाह जो हमारी सुपर हिट मूवी हुई है, उसमें भले मेरा रोल इंटरवल में जाके फिनिश होता है, बट मैं ये बोलूँगी कि इंटरवल तक जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और क्योंकि मैं हॉल में इतनी मैंने बैठ के देखा है, लोग रो रहे थे और बोल रहे थे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। इवन लोग ये बोल रहे थे कि शादी के बाद भी डेथ हो जाती तो चलता था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, चिंटू को नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। तो मुझे लगा था कि लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं और लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे थे, वो पसंद कर रहे थे मेरी एक्टिंग को भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने मुझे खुले दिल से एक्सेप्ट किया है और मुझे बहुत सारा प्यार दिया, और आगे भी उन्हीं के प्यार के कारण मुझे काम भी है और मैं काम कर रही हूँ। आगे एक नई पिक्चर और है जो मैं चिंटू जी के साथ ही कर रही हूँ। बॉलीवुड में भी आपकी एंट्री के लिए, बॉलीवुड की भी बड़ी फिल्मों में आप दर्शकों के पास जल्दी आने वाले हैं, उसकी क्या तैयारी चल रही है? कब तक उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है, और जितना हम लोगों की तैयारी हो चुकी है कि हम लोग शूटिंग पर निकल जाएंगे कमिंग फेब में, हम लोग शूट पर निकल जाएंगे। जो भी एक प्री जो हमारा काम होता है, प्री प्रोडक्शन जो होता है, उस पर ही तैयारी पूरी चल रही है, वही सारा काम पूरा हो रहा है हमारा। और बहुत जल्दी हम शूट पर जाने वाले हैं, वहाँ से फिर मैं लाइव वीडियोज़ करूँगी और लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ क्या शूट कर रही हूँ। वैसे आपने देखा कि आकांक्षा किस तरीके से पूरी बर्थडे के लिए काफ़ी तैयार है, क्योंकि उनका शादी के बाद ये पहला बर्थडे है, तो अपने लाइव पार्टनर यानी कि विवेक जी के साथ आज पार्टी के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी की है। तो अब देखना होगा कि वहाँ की कितनी फ़ोटोज़ आपके पास मिल पाती हैं, आप किस तरह से देख पाते हैं ये कपल पार्टी इसकी फ़ोटो। बस आप हमारे साथ यही बने रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय जी।
दर्शकों के लिए ढेर सारा सा प्यार है, और प्लीज़ अपना प्यार मुझे देते रहिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और मेरी जो भी पोजीशन होगी इस इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मुझे ढेर सारा सा प्यार दीजिए, मुझे बर्थडे की ढेर सारी सी विशेस दीजिए, और एज गेस करना मत भूलिएगा मेरी। थैंक यू।